नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मैच टीवी और मैं आपके साथ संवाददाता देश दीपक दामेस जनजातीय जिला किन्नौर से। आज हम उद्यान प्रसार केंद्र टापरी में आए हैं और हम उद्यान प्रसार अधिकारी केसांग जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका जनता मैच टीवी में हार्दिक स्वागत है। जुले नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप किसान बागवानों को इस बार किस कौन कौन से पौधे दे रहे हैं? जैसे कि आप लोगों को विदित है, हाँ, हर एक वर्ष की तरह भारतीय जो हम विंटर्स में जो विंटर सीजन प्लांट्स के जो हमारे पास आती है, तो इस साल हमारे पास कुछ विभिन्न तरह के पौधे आए थे जिसमें रॉयल थे और कुछ सुपर के पौधे थे, तो हमने जो है फार्मरों को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करा है। कुछ तो 3 दिन हो गया हमारे को, तो मेरे पास 1200 के आसपास प्लांट्स आए थे, तो अभी तक जो है मेरे पास 800 के प्लांट वितरित हो चुके हैं और जो है 400 के प्लांट जो अभी शेष बचे हुए हैं। और अभी इस बार आपको पता है सर कि नवंबर दिसंबर जनवरी महीने में काफी सूखा का समय था और अभी किसान बागवानों का कटिंग छटाई हुआ और अन्य जैसे हमारे तोरिया का कार्य रुका है, इसके आप विपरीत आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और जैसे कि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जनता टाइम्स टीवी के लिए जो आप बीच बीच में जो मेरे कार्यालय में भी आते हैं बागवानों से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको लेके हम बातचीत करते हैं। पिछले साल भी हमने जब बहुत ज़्यादा बारिशें पड़ी थी उन दौरान भी लीफ फॉल की बहुत समस्याएँ आई थी, तब आप उस टाइम भी मेरे कार्यालय में आए थे, हमने उस टाइम भी कुछ बागवानों को सुझाव दिए थे। तो अभी ये जो आप कह रहे हैं कि जो हमारा नवंबर से लेके अभी तक जो है एंड ऑफ द जनवरी जो है सूखा रहा, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य रहा है, खासकर सेब के बागवानी के लिए बहुत ही गलत संकेत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर वर्ष क्लाइमेट चेंज का ये संकेत आ रही है, तो इसमें ये रहता है कि हमें कैसे इन चीज़ों को हमें अडेप्ट करना है, कैसे हम इन चीज़ों को आने वाले फ्यूचर में हम इनको कैसे हम इसको निपटारा करेंगे, इसके लिए ये रहता है कि जैसे क्योंकि अब देखिए हम पहले हम रॉयल डिलीशियस की जो है बागवानी करते थे जो कि ऊंचे क्षेत्रों के लिए मानी जाती थी, अब जैसे जैसे हम देखते हैं हर एक साल ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि विभाग ने और यूनिवर्सिटी और साइंटिस्ट ने मिल के जो हमने नई जो वेराइटीज है सुपर और जिनकी चीलिंग हाउस कम है उनके जो है आविष्कार किया है, तो हम चाहते हैं कि टाइम टू टाइम जो है बागवान जो है इन सुपर वेराइटीज और जिनका चीलिंग हाउस कम है उसकी ओर जा सकते हैं। और अभी बात करें तो एंड ऑफ द दिसंबर हमारे लिए अच्छा रहा कि हमें बहुत अच्छी मात्रा में बर्फबारी हुई, बारिश हुई है, तो ये बागवानों के लिए के बहुत खुशी की बात है। तो मैं कहना चाहूँगा आप बागवान भाई जो हमने बागीचे में जो भी काम बचे थे, चाहे प्लांटेशन करनी हो चाहे तोजिया बनाना हो, तो वो आप जो है आप कर सकते हैं। सर, बागवानों का जो बगीचे है उसका चिलिंग हावर्स के लिए अभी कितना समय रह चुका है आपका अनुसार बताइए? जैसे कि अकॉर्डिंग कई सर्विस के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट जो है चिलिंग रिक्वायरमेंट हो चुकी है। अच्छा। और खासकर देखे जाए हमारे जो हाई एरिया से खासकर आजकल हम किन्नौर में पोस्टर, तो मैं अगर किन्नौर की स्पेसिफिकली बात करूँ तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट चिलिंग रिक्वायर हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ जरूर नहीं कि स्नोफॉल से ही चिलिंग रिक्वायर पूरी होती है। स्नोफॉल से क्या होता है, हमें मॉइस्चर मिलता है और साथ ही साथ जो है आने वाले टाइम के लिए ग्लेशियर्स के थ्रू हमें समर्स के लिए पानी मिलता है। चिलिंग रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमारे विंटर्स में जो टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, वो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाती है क्योंकि विंटर में हमारा ठंड रहता ही है, तो चिलिंग रिक्वायरमेंट वैसे ऑलमोस्ट हो चुकी है। फिर भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ जैसे रॉयल में खासकर जो है 1000 से लेके 1600 की हाउस की चीनी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो अगर हम दूसरे गाला या सुपर वेराइटीज की बात करते हैं तो उनमें जो चीनी रिक्वायरमेंट कम रहती है, कोई 800 से स्टार्ट होकर 1200 के आसपास, तो हम आने वाले टाइम पे जो है इसकी और शिफ्ट हो सकते हैं। और ये किसानों को आप ये पौधे कब तक मुहैया करेंगे सर? हमारा तो यही है कि जब तक खाली ना हो जाए हमारा प्लांटिंग मटेरियल जो पूरा सोल्ड ना हो जाए तब तक हम जो यहाँ पे वितरित करेंगे। ये थे हमारे साथ केंद्र उद्यान केंद्र के अधिकारी केसांग जी, जिन्होंने किसान बागवानों को काफी जानकारी दिया। जनता टाइम्स टीवी के लिए जनजातीय जिला किन्नौर से संवाददाता देश दीपक दामेस की रिपोर्ट।